महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में कोई बदलाव नहीं करेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल सहित कई नेताओं ने दिल्ली में बैठक की। इस बैठक के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष में पार्टी कोई बदलाव नहीं करेगी, न ही कोई नेतृत्व परिवर्तन होगा। महाराष्ट्र में चुनावी समीक्षा के लिए बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी। इसके अलावा क्या बीजेपी कोई और परिवर्तन करेगी, ये भी चर्चा का विषय बन गई थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राव साहेब दानवे, चंद्रशेखर बावनकुले और पीयूष गोयल सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। पार्टी को 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी सबसे अव्वल पार्टी रही। बीजेपी को महाराष्ट्र में कुल 26.18% वोट मिले। अगर इसे नंबर में देखें तो पार्टी को कुल 1,49,13,914 मतदाताओं ने वोट किया। बीजेपी को जिन सीटों पर जीत हासिल हुई वो जलगांव, रावेर, अकोला, नागपुर, पालघर, मुंबई नॉर्थ, पुणे, सतारा और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग शामिल हैं। महाराष्ट्र की कोर टीम केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठी थी। इस बैठक में हम लोगों ने विशेष रूप से महाराष्ट्र का जो परिणाम आया इस पर विस्तार से चर्चा की। महाराष्ट्र में जैसा आप जानते हैं कि केवल 0.3% से महायुति और एमवीए में अंतर है, तो कहां वोट मिले, कहां नहीं मिले, कहां परेशानी हुई, कौन सी करेक्टिव एक्शंस लेनी चाहिए, ये सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके साथ साथ आगे में विधानसभा की रणनीति क्या होनी चाहिए उसकी ब्लूप्रिंट पर एक हमने चर्चा की। अब जल्दी ही हमारे जो एनडीए पार्टनर्स हैं उनके साथ चर्चा करके महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को जीतने की दृष्टि से हम लोग रणनीति तय करेंगे और केंद्रीय बीजेपी पूरी ताकत से हमारे पीछे इस चुनाव में खड़ी है और जल्दी ही हमारा रोडमैप हम लोग तैयार करेंगे। कोई बदलाव होगा सर, प्रदेश अध्यक्ष हो या और कोई बदलाव नहीं है। फिर एक बार एनडीए की महायुति की सरकार बहुत मजबूती से हमें महाराष्ट्र में लानी है। किसी प्रकार का कोई बदलाव का सिलसिला नहीं है।